के गए साल के अकाउंट्स मैंने अभी तक देखे नहीं है। देता हूँ मैं। और ब्लड बैंक में जो असिस्टेंट टेक्नीशियन की जगह है उसका क्या हुआ? देखता हूँ। और आज अपंगों के बारे में मिनिस्टरों के साथ मेरी बातचीत हुई है। माँ जी आपके लिए खाना भेज दूँ? नहीं, मैं अपने लिए अरेंजमेंट कर लूंगी, तुम रानी को भेज देना। डॉक्टर साहब, बच्ची का बुखार कम नहीं हो रहा है। आप बेफिक्र रहिए, आई एम ऑब्जर्विंग हर। बेफिक्र। अरे सावित्री, कैसी हो? ठीक। रानी गई स्कूल में? हो। सुभाष का कोर्ट चला गया? तुम ठीक तो हो? अच्छा, मैं जरा जल्दी में हूँ। रामू, बादाम ले आना, रानी के लिए हलवा बनाना है। जी बड़ी दीदी। रजिस्टर है, यहां दस्तखत कीजिए। पहले खाना खाने बैठ गई है ना? नहीं खा रही है। दो मेरे पास लो, बेटे लो। अच्छा अच्छा, अच्छी तरह से चबा चबा के ये लहा, ये रहा चाची का गुड्डी। हाँ चाची जी, खिलाइए। क्यों मोहन, इतनी देर कर दिया? हाँ भाई, डिलीवरी का केस है, शायद सीजरिन करना पड़े। वैसे मैंने ट्रायल तो दी है। जल्दी खाना खा लो, शायद जाना पड़ेगा। हाँ माँ, नाउ यू हैड बेटर कंसंट्रेट योर अटेंशन ऑन हिम। रानी, तुम्हें भूख नहीं तो उठो यहाँ से, तुम बहुत जिद्दी होती जा रही है। चलो उठो। रहने भी दो सावित्री, बच्ची भूखी रह जाएगी। नहीं रोती बेटा, मेरी नींद नहीं रानी बिटिया को। नहीं चलो 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 चलो, पहले कहा था ना कि जल्दी खाना खा लो। नहीं रोते बेटी, चलो चलो चलो। चुप कराओ इसे। भाभी, इसे नहीं खाना है तो जाने दीजिए ना। रहने दे दो, मैं ले जाती हूँ। चलो बेटा चलो, नहीं रोते, नहीं रोते मेरे साथ। चलो ना बेटे, ना ना, यू रोते नहीं। चलो, अब माया का खाना रह गया। जाने भी दो ना, उसे शौक है करने दो, क्या फर्क पड़ता है। बहुत प्यार है दोनों में, इतना लाड प्यार करती है कि माँ क्या करेगी। पेट का होता तो न जाने क्या क्या करती। तुम ले लो ना उसे, भाभी को खाना खाने दो। अरे रहने दो, माया को अगर अच्छा लगता है तो क्यों। जाओ ना तुम। रानी, क्या चल रहा है? कहानी सुन रही है। चलो चाची को खाना खाने दो। रहने भी दो। चलो उठो, चलो।
रानी माँ से रूठ गई। रानूली माया तुम जाओ ना खाना खा लो। हाँ मैं खा लूंगी बाद में, अभी अभी तो चुप हुई है। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। नहीं मुझे नहीं तुम्हारी कहानी अच्छी लगती, मुझे चाची की कहानी अच्छी लगती है। शैतान हो गई है। चलो रानी चलो। नहीं सोने दो ना, सोने दो। अभी बिटिया को कहानी सुनी है। हाँ। आज कौन सी कहानी सुनेंगे? अच्छी अच्छी। कौन सी कहानी? हाँ एक था राजा एक थी रानी, उनका एक छोटा सा बेटा था। राजनीति दिन ब दिन गंदी ही होती जा रही है ना? और आपके सोशल वर्क का फील्ड तो देखिए, उसमें आप जैसे सिंसियर लोग कितने बचे हैं। और हमारा मेडिकल फील्ड, वो भी एक किस्म का सोशल वर्क ही माना जाता था, पर उसमें भी आजकल कितने बेशुमार रैकेट्स हैं, है ना? मोहन दही ले लो थोड़ा सा। मुझे लगता है सुभाष छोटी बहू रानी हमारे काम में लग जाए। सोशल वर्क की डिग्री हासिल की है उसने, और हमारे साक्षरता वर्ग में हमें किसी सिंसियर वर्कर की जरूरत भी है, लेकिन बहू का मन नहीं। जाने दो रामा जी, उसे नहीं जचा नहीं आई। मैंने आपसे कितनी बार कहा, वो कहती है उसके स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट अलग है। मैंने कौन सा स्पेशलाइजेशन किया था? पर काम तो करते रही हूं ना, चार चार इंस्टीट्यूशन चला रही हूं एक साथ। माँ मुझे तो अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, केस कॉम्प्लिकेटेड है। फिर क्या होता है चाची? फिर वो राजकुमार घोड़े पे सवार होके जंगल में शिकार के लिए निकला, और बारिश होती है, अंधेरा होता है। हाँ। और ये राजकुमार खो जाता है, खो देने चाहिए ये। नहीं चाहिए? नहीं। दूसरी कहानी? हाँ। सिंड्रेला की सुनो? नहीं नहीं नहीं। आली बाबा की? नहीं चाहिए। चालीस चोर? नहीं चाहिए। नहीं। तो अच्छा फिर कौन सी कहानी सुनाएंगे? हाँ कौन सी? लॉरेल और हार्डी की। हाँ। खाने के बाद हम सब के बीच बैठी रहती तो कुछ बिगड़ जाता क्या? मां जी तुमसे बातें करने को तरसती हैं। देख रहा हूं सोशल वर्क में डिप्लोमा लेने के बाद तुम में काफी गुरूर आ गया है। पहले थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन तो रखती थी तुम सबसे, भाभी से भी रुखाई रखती हो, वो तुम्हें बहुत चाहती हैं। वो जोर न देती तो तुम बंबई जाके सोशल वर्क की डिग्री हासिल न कर पाती। समझती क्यों नहीं, बच्चा नहीं है बेचारी को, उदास रहती हैं। वहां मोहन 24 घंटे अपनी डॉक्टरी में मगन रहता है। हमें भाभी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सोगी नहीं? अभी नहीं। सावी अगर तुम माजी के हाथ बटाओ तो शायद दिल जरा बहल जाएगा, मगर तुम कुछ करती ही नहीं। यू आर जस्ट रॉटिंग हियर सिटिंग एट होम। सुनो हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमाए तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ओके मैं सच कहता हूं, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। बोलो ना क्या कहूं। थैंक यू। सावे गृहस्थी तो खैर चलती ही रहेगी, सभी की चलती है। आखिर पत्नी का शरीर पाकर पति की एक बहुत बड़ी जरूरत पूरी हो जाती है, लेकिन सावे उसमें तथ्य नहीं।
कब से मुड़ के देख रही हो? नहीं। सावें, टॉवल, जल्दी, ठंड लग रही है। आई। सुभाष तुम्हारा तो ये हमेशा कहे। आओ ना। सुभाष छोड़ो ना। एक मिनट। प्लीज नहीं। रख लो। सुभाष, वो तुम्हारे केस के बारे में बड़ा हंगामा हो रहा है। कौन सी केस? वो डॉक्टर वाला। बात क्या? बात ये है, मेरे डॉक्टर क्लाइंट पर ये इल्जाम लगाया गया है कि जांच वाले कमरे में एक लेडी पेशेंट पर उसने बलात्कार किया। डॉक्टर ने लेडी पेशेंट पर बलात्कार किया? लेकिन कोई मेडिकल सबूत है? सबूत है और खूब पक्का है। अच्छा, बलात्कार हुआ है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है? सीधी बात है, सिर्फ साबित करना है कि उस औरत के चाल चलन पर शक किया जा सकता है, और साबित करना भी आसान है। मेरी समझ में नहीं आया। माँ जी, वो औरत कंगाल है, उसका आदमी पैरालिसिस से बीमार है और वो दो बच्चों की माँ है। इन हालात को मैं एक मजेदार टर्न देना चाहता हूँ। वो कैसे? औरत के दूसरे बच्चे की उम्र और उसके घरवाले को जब पैरालिसिस हुआ वो साल, इन दोनों में जो फर्क है उसे उभार कर दिखाएं। वो कैसे? मैं समझाता हूं माजी। वो ये दिखाना चाहता है कि जब उस औरत के पेट में दो नंबर का बच्चा था, उसके पहले ही उसका पति लकवे का शिकार हो चुका था। मतलब वो एक बच्चलन औरत है, लिहाजा उसका चरित्र दो पौड़ी का भी नहीं। बस बात खत्म। क्या सुभाष, ठीक है ना? लेकिन इससे ये बलात्कार वाली बात कैसे खत्म होती है? पहले तो वो औरत बच्चलन साबित हुई, दूसरी बात ये है बलात्कार के समय उसने प्रतिकार नहीं किया, और उस पर ये भी हो सकता है कि रुपयों के लालच में आकर अब वो हल्ला मचा रही है। कमाल करते हो बाबा तुम लोग। क्यों माया? जी हाँ। वाह भाई वाह, क्या बात। इसे क्या हो गया? शायद तबीयत ठीक नहीं है। जी पूछ रही थी कि तुम अचानक उठ क्यों गई। इसे पढ़ो। क्या है? पढ़ो ना। महिला श्रम सुपरिंटेंडेंट्स पोस्ट। अच्छा, तो ये बात है जो सुबह से आपके दिमाग को काट रही है। सुभाष, मुझे तुम्हारी राय चाहिए। राय और क्या हो सकती है, लिख दो कि जा नहीं सकोगी। क्यों क्यों नहीं जा सकूंगी? तो क्या लिखोगे कि जा सकोगे? पागल हो गई हो क्या? सुभाष, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सचमुच ये काम करना चाहती हूँ। देखो, तुम यहाँ घुटन महसूस कर रही हो क्योंकि कहीं घर में तुम्हें मनचाहा काम नहीं मिल रहा, लेकिन इसका इलाज क्या यह है कि घर छोड़कर चल दें और दूर कहीं भूत का डेरा जमाएं? भूत का डेरा? क्या कह रहे हो तुम? सुभाष, मैं रानी को अपने साथ ले जा रही हूँ। सावी, तुम अपनी खातिर उस बच्चे को इस घर से, खासकर भाभी से अलग करना चाहती हो?
सावी, उस काम के खातिर तुम मुझे छोड़कर दूर चली जाओगी? मेरे लिए भी तो आसान नहीं है, और संगमवाड़ी कुछ 300 मील तो दूर है। सुभाष, शादी के बाद केवल आपका बढ़ावा पाकर ही मैंने पढ़ाई जारी रखी। मैं बंबई गई, डिग्री ली, बाहर की बड़ी दुनिया देखी, और अब कुछ न करते हुए मैं कैसे जीऊं? सुभाष, मुझे घुटन सी होती है। सावी, हम यहीं कुछ ढूंढ लेंगे। नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, काम में दिल लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहां वो काम नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ। सच, घर से निकली और निकाली गई औरतों की समस्याओं के बारे में मुझे पहले से दिलचस्पी थी। इसलिए तुम अपना घर छोड़ दोगी? नहीं सुभाष, देखो हमारे करीब एक यही संस्था है जो इस प्रकार का काम कर रही है और मुझे बुला रही है। हो सकता है वहां से वापस आने के बाद शायद मैं भी इस प्रकार की संस्था शुरू कर सकूं। सुभाष, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर दूर जा रही हूँ, और वो भी रानी को साथ लेकर। रानी यहीं रहेगी, उसके स्कूल का सवाल है। लेकिन सुभाष, स्कूल वहां भी तो होगा। यहां के जैसे नहीं होगा। ठीक है, मैं अकेली जाऊंगी। तुम भी नहीं जाओगी। I'm sorry, I didn't mean it that way. सावी सुनो, अगर तुम जिद ही करना चाहती हो तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल न सिर्फ तुम्हारा है न मेरा, सवाल घर का है। सबकी सलाह लेनी पड़ेगी। लेकिन सुभाष, दो तीन दिनों में उनको कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। मैं समझ गई। आपकी क्या राय है? मैं कौन राय देने वाली? तुम ही लोग तय करो, तुम ही कर लो। मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ का इतना सोशल वर्क छोड़कर बाहर जाने की जरूरत क्या है, तुम्हें और बच्ची को छोड़कर। नहीं, वैसे वो रानी को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। उसके घर छोड़ने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? माँ जी, जरा सावित्री की नजर से देखिए। आपके काम में उसका मन नहीं लगता, और यह भी नहीं हो सकता कि दूसरी घरेलू औरतों की तरह वो मन मारकर घर में बैठी रहे। ये काम घर बैठे आया है, उसकी पसंद का है, तो उसे लगता है कि वो कुछ करके दिखा है। तुम्हें ये मंजूर है? सावित्री की निगाह से देखें तो है। भले घर की बहू सोशल वर्क की खातिर घर छोड़कर बाहर जाती है कभी? वो घर छोड़कर नहीं जा रही है माँ जी, वो कहती है कि कुछ दिनों की एडजस्टमेंट की बात। मैं वकालत के दांव पेश नहीं समझती, तुम्हें ये मंजूर है? मुझे ये मंजूर है। तो ठीक है, मेरा लोग पूछेंगे तो कुछ ना कुछ बता दूंगी, मगर तुम सोच लो, ग्रस्त होके सन्यासी बनना पड़ेगा, और वो भी इस उम्र में। लेकिन सुभाष, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें ये कैसे मंजूर है। तुम्हारी क्या राय है मोहन? चल माँ जी, अगर वो जाना चाहती है तो जाने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। ऑफ कोर्स, इस सवाल का हल तो सुभाष जी को करना पड़ेगा, है ना? अगर तुम्हारी माया जाती तो जाने देते? कह नहीं सकता, शायद जाने न देता। इस तरह इजाजत देना वैसे तो मुश्किल ही है। सुभाष, मैं इतना ही कह सकती हूं कि सोच करके फैसला करना। हम अब पुराने हो गए, बहू की पत्नी की सारी जिम्मेदारियां निभाई और काम किया, तप तपाकर यहां तक पहुंचे। हमारे जमाने में हम भी काम करने के लिए बाहर गए थे, लेकिन घर नहीं छोड़ा। हां मां जी,
सोचे समझे बगैर फैसला नहीं करूंगा। सुभाष रहने दो ना। नहीं नहीं रहने दो, अब तो मुझे आदत डालनी पड़ेगी। अरे क्या हो गया पगली, अब रो क्यों रही हो? उठ पगली कहीं की। सुभाष थैंक यू। थैंक यू? ओ सुनो, मैंने माजी से बात की, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात मुझे मंजूर है। मैं सिर्फ तुम्हारा केस प्लीड कर रहा था। ऐसा नामी वकील तो किस्मत वालों को ही मिलता है। लेकिन फीस डबल देनी पड़ेगी। हूं दे दो। साबी, साबी। क्या? सुनो। क्या हुआ? साबी, मैं तुम्हारी घुटन समझता हूं और मान लेता हूं कि वो सच है। अपने स्वार्थ की खातिर मैं तुम्हारी ईमानदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम जा सकती हो, मुझे उससे काफी तकलीफ होगी, लेकिन ठीक है। सुभाष। लेकिन एक शर्त है, आगे कभी भूल कर भी तुम ये नहीं कहोगी कि मैंने तुम्हें मनचाहा मौका नहीं दिया। मुझे मालूम है लोग कहेंगे कि तुम्हारी बात मानकर मैंने बेवकूफी की, वो भी ठीक है, मैं बेवकूफ कहलाना पसंद करूंगा, लेकिन बेरहम नहीं। सो जा। दिस इज मी, आई हैव फ्रेंड्स, दिस इज माय मम्मी, शी इज माय फ्रेंड, दिस इज बाबी, तुम लाल बना रही हो? ठीक है रानी। हाँ? बाद में दूध पीने के लिए आना। हाँ हाँ आती हूँ चाची। रानी। हाँ? मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ, मुझे काम है। तो यहीं पे करो ना। यहाँ वो काम नहीं हो सकता, मुझे गांव जाना ही पड़ेगा। तो कल आओगी? नहीं बेटा, मुझे वहाँ बहुत दिन रहना पड़ेगा। तो हम सब जाएंगे, मैं, तुम, पापा और चाची। नहीं रानी, मुझे ना अकेली को ही जाना होगा। देखो चाची से जिद नहीं करना। हाँ? और पापा को बिल्कुल तंग नहीं करना। पर मत जाना माँ, मान जाना। सुन, हर रोज स्कूल जाना, सवेरे दूध पीना। हाँ? और रात को चाची के या पापा के साथ सो जाना। हाँ?
सुभाष। सावित्री, रानी के खिलौने, किताबें और फ्रॉक्स दे दो ना, बाद में गड़बड़ होगी। हाँ मैं आज शाम को जल्दी लौटूंगा, कोर्ट से सीधे घर आ जाऊंगा, तुम तो तैयार रहोगी ही। सुनो सुबह। हाँ ना, तैयारी हो गई? हाँ चल रही है। हाँ ये उसे रात को सोते वक्त रोने लगी तो ये नाइटी, बाकी सब तो यहाँ है ही। ब्रेकफास्ट के लिए उसे फ्रेंच टोस्ट अच्छा लगता है, तुम्हें तो। अरे हाँ, और उसके उसके बिरबल और पंचतंत्र दोनों किताबें फटी हैं, तुम इसे जरूर ला देना। हाँ ये फ्रॉक मैं कल उसके लिए नया खरीद कर लाई थी उसके जन्मदिन पर। मुझे सब मालूम है, तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल नहीं करना। और लिखना, हम सब तरह की मदद करेंगे, लेकिन बिल्डिंग फंड के लिए जो पैसा इकट्ठा करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। माँ जी वो हाँ? क्या है? माँ जी मैं आज शाम को जा रही हूँ। तबीयत का ख्याल रखना, चिट्ठी लिखना। हाँ तो मदद के बारे में ठीक है, क्या लिखा है तुम पढ़ो। बाकी सब मदद हम कर सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग फंड का सारा पैसा आप ही को इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। हो गई तैयारी? तो चलो। अरे सामान भिजवा दिया? हाँ रानी कहाँ है? अरे तुम्हें रहने दो, बाहर मिल लूंगी। अच्छा ठीक है। अरे सावित्री, सावित्री ये क्या कर रहे हो? ऐसे होते नहीं, रो मत, अपना ख्याल रखना। नहीं कोई आएगा, जल्दी वापस आ जाना। हाँ चलो। सावित्री जल्दी लौट कर आना। अरे अरे मेरे क्यों पैर छूती हो? देखो तुम होकर आना, यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करना, रानी की भी, मैं जो हूँ। अरे रानी शायद बाहर खेल रही है बागीचे में। जल्दी आऊंगी। जल्दी आना माँ। टाटा रानी जल्दी आना माँ।
मुझे महिला आश्रम जाना है। हाँ चलिए जी। ये लीजिए। क्या चाहिए? हाँ, जवान लगती है। हाँ, यहाँ तो सभी जवान ही आती हैं। पहले रजिस्टर लिखो, बाद में अंदर आओ। चलो लिखो यहाँ।
कमला भाई क्या देख रही हो? ये नई सुपरिंटेंडेंट है, चलो अटेंडेंट खड़े को बुलाओ। मेरे आने की खबर नहीं थी। बहन जो प्यून को भेजा था ना, वो वहाँ चला गया, आप यहाँ आ गई। चलिए चलिए चलिए। आइए। पहली बिंदी यहीं रहती थी बहन जी, स्नान घर बाहर है। नाश्ता करेंगी? जी नहीं। चाय? रसोई घर के इंचार्ज आप? नहीं बहन जी, मैं तो यहाँ की हेड इनमेट हूँ। मतलब यहाँ रहने वालों में से ही एक। रसोई घर के इंचार्ज को भेज दीजिए। मैं सत्य भामा, यहाँ के रसोई घर के इंचार्ज। कुछ लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है, आप जाइए काम पर। देख देख देख, बीच में कहाँ घुसी आ रही है? चल चल, पहले से वो मेरी जगह थी, आपसे आंखें फूट गई क्या? दिखता नहीं, मैं पहले खड़ी थी, मैं पहले खड़ी थी। जाए यहाँ से, चलो 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 जल्दी, तेल बिल कुछ नहीं मिलेगा। चलो लाइन रखो, चल पकड़ रहे, नाम बोल नाम बोल, चल तू चल चल, साबुन नहीं मिलेगा कहाँ ना, चल लाइन से लाइन से, चल चल जल्दी पकड़। दो दिन में तेल खत्म करती है बदमाश। चलो भैंस, नाम बोल नाम बोल, चलो उधर उसको। क्या जब देखो हाथ लगाई जा रही है, जबरदस्ती है। हाँ, कुत्ती कहेगी चुप। ऐसे कुत्ती का मैं तेरे दिखाती हूँ। अब ये कच्चे मुंडे मुझे कुत्ती का मजा चकाऊंगी, ऐसा मजा चकाऊंगी जिंदगी भर याद रखेगी। तेरे बाप ने भी कभी चकाया? अरे चल जा, चका के दिखाऊंगी। हाँ हाँ, समझती क्या है? यार जल्दी छोड़ छोड़, मैं तेरे को ठीक कर ठीक कर दूँ। मेरे पास नोट की तेरे हाथ में नहीं मिलते तो मेरा नाम बदल देगा। हाँ हाँ, कुत्ती रामदास है तू। ऐसे मैं तेरे को भेंची भेंची भेंची। जल्दी जल्दी करो, बहन जी आई है। नाम बोलो, चल जल्दी चल। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। आप क्यों हैं? हाजिर हूँ बहन जी। ये जो बाहर खड़ी हैं, उनको कहना अपने अपने बराकों में चली जाएं। जी। ए चलो यहाँ से, ए लड़कियों अपने अपने बराकों में चलो, बहन जी का आर्डर है, यहाँ पे रुकना नहीं, चलो फटो। चली गई बहन जी। सुबह मुझे स्टेशन पर लेने के लिए आप ही गए थे? हाँ बहन जी, आपको तो बहुत ढूंढा मगर आप मिली नहीं बहन जी। गाड़ी जब प्लेटफॉर्म पर आई तब आप थे वहाँ? हाँ बहन जी, वो निकलने में थोड़ी देर होगी बहन जी। आप स्टेशन पर नहीं थे? था बहन जी, भगवान कसम। जाइए। क्या नाम है तुम्हारा? हीरा। देखो एक नोटिस लगाओ, आश्रम की लड़कियां अपना काम छोड़कर दफ्तर के आसपास नहीं घूमेंगी और गेटमेंट गेट छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बहन जी, चेयरमैन भाई आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। कब आई आप? आज सुबह। जी हाँ। अच्छा हुआ, हम लोग वेट ही कर रहे थे। अकेली आई है ना? जी हाँ, अकेली आई हूँ। देखिए इस वक्त मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, सोचा कुछ जरूरी बातें आपको अभी बता दूं। ड्राइवर मेरा थर्मोस ले आओ, पानी चाहिए। दिन भर की रिपोर्ट हमें फोन पे मिलनी चाहिए। यहाँ के हर चीज के लिए सैंक्शन चेयरमैन से यानी हमसे लेना पड़ता है। मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हर 3 महीने के बाद बुलाई जाती है। मीटिंग बुलाने से पहले हमसे पूछ लिया कीजिए। डीएसपी और कलेक्टर साहब से कन्वीनियंट डेट्स लेकर मीटिंग डेट हम तय करते हैं।
रात को 9 बजे के बाद फोन कीजिए। हाँ, अगर बहुत ही जरूरी हो तो शाम को ऑफिस क्लब, मगर हमें कोई डिस्टर्ब करें आमतौर पर हमें अच्छा नहीं लगता। अरे हाँ, उत्पला जोशी नाम की लड़की के खिलाफ यहाँ के स्टाफ की बहुत सारी शिकायतें हैं, आने वाली मीटिंग में उसका केस तैयार रखिए। ओके, कमीनी, मुंह नोच डालूंगी तेरा। एक अमला बाई, गालियां क्यों दे रही हो? मुंह है या गटर? मुझसे पूछे बगैर यहाँ कदम रखा तो नंगी करके मारूंगी, समझी? बोल, यहाँ क्यों आई थी? क्यों बार बार हाथ लगाती सनात को तू? ए छिनाल, हाथ मत लगा। ओ छिनाल, मालूम है तेरे मरद क्या लड़की के धंधे? तू किस किस के साथ सती है हरामी? मारो साली को पकड़ के। जा, क्या हो क्या रहा है यहाँ? हाँ, ये कैसी गड़बड़ है, क्या शोर हो रहा है? रसोई के इंचार्ज कौन है? सत्यभामा। तो चाबियां आपके पास कैसे आई? पहले वाली बहन जी के टाइम से ही चाबियां मेरे पास हैं। चाबियां लाइए, लाइए चाबियां। आज से चाबियां सत्यभामा के पास रहेंगी, समझी? जाइए आप। क्या नाम है तुम्हारा? मुक्ता गायकवाड़। उत्पला जोशी। शोभा लोखंडे। तुम सब यहाँ क्या कर रही थी? आज रसोई घर में हमारी ड्यूटी थी बहन जी, चावल और आटा लेने आए थे। तो ये कमला भाई बहुत गालियां देती है हम सबको, मुझे कहती थी शादी के पहले पेट फुला के आई है, खुद से ऐसे दूध की डोई। ए चुड़ैल, चुगलियां मत खा। कमला भाई, मैंने आपको जाने के लिए कहा ना। हाँ, पहले अपनी छिनाल बेटी को समझा। बस बस, वो पहले वाली बहन जी ने बहुत सर पर चढ़ा रखा था, काम आती थी ना मदन सेठ के यहाँ वो लड़कियां भेजने के लिए। अब ठीक है, तुम जाओ, सब जाओ अपने बराकों में। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते। बैठो बैठो, मेरे आते ही खड़े रहने की जरूरत नहीं, अपना अपना काम करो। तुम्हारा नाम क्या है? गुंगी और बैरी है वो बहन जी। इसका नाम कुसुम शिंदे है बहन जी, इसे घर पे अकेली देख के बस्ती के 3 गुंडों ने इस पर जबरदस्ती की थी, तभी से ये हाल है। तबीयत हो तो खूब काम करती है, नहीं तो घंटों ऐसे ही बैठी रहती है। देखा, काला साहब देखा, ऐसी जबान निकालता है जैसे काट खाता है, मेरा पीछा नहीं छोड़ता। हटो, बचो, बचो। बहन जी ये पागल है, शादी होते ही पागल हो गई। कहते इसका मर्द राक्षस था, उसका डर इसके मन में बैठ गया। चल चल, डर काई का, कोई कोई मर्द होते ही ऐसे जंगली। Thank you.
कमला भाई मुझे दफ्तर में आके मिलिए। आइए कमला भाई मुझे कुछ पूछना है तुमसे। मुझे नहीं रहना है यहाँ। घर जाओगी क्या? मेरा कोई घर नहीं है। सत्यानाश क्या है रंडी ने, मेरी अपनी बेटी ने। न घर का रखा न घाट का, मरेगी ना पानी की बूंद नहीं मिलेगी, मक्खियां भिनकेंगी मरी की लाश पे। कैसी गालियां दे रही हो गंदी गंदी, तुम मां हो ना उसकी, वो आई पेश बेटी जैसी। बाप मरा ना तो लौंडी इतनी सी थी, फोन पिला के पाला मैंने उसे, वो आराम से रहे इनसे दूसरा मर्ज किया, सौते ने बाप के साथ संग किया हरामजादी ने, मुझे घर से निकाल दिया। मैं बीच में आती थी ना दोनों के, मेरा कोई घर नहीं। कमला भाई हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे, तब तक मैं तुम्हें काम देने वाली हूं। तुम मेरा ऑफिस छोड़ोगी, मेरी फाइलें ठीक रखोगी और कोई आया गया तो मुझे बताओगी, है मंजूर? तो फिर हंसो। नमस्ते बहन जी, मैं अंदर आ सकता हूं? आइए। बैठिए। हम चांदमल भंडारी, आश्रम को साड़ियां हम ही सप्लाई करते हैं। आप कोटेशंस लाए हैं? जी। ठीक है, इन्हें रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। 4 साल से हमारी दुकान से माल आता है बहन जी। ठीक है, बाकी कोटेशन देखे बाद में तय करूंगी। मुझे जरा उत्पला जोशी की फाइल देना। कोटेशन तो आएंगे ही, लेकिन आश्रम वाले हमारी साड़ियां पसंद करते हैं। देखिए मैं खुद आपकी दुकान पर आकर साड़ियां तय करूंगी, जाइए आप। आप खुद आएंगी? जरूर आइए गरीब की दुकान पे। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए। उत्पला, क्या है दिखाओ दिखाओ, अंदर चलो, अंदर आना, सावधान, सत्यभामा सब्जी चोर, रुक्मिणी साबू चोर, सिलाई बहन रेशमी लड़ी चोर, वॉचमैन पैसे खाओ। उत्पला इस चिट्ठी के नीचे तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? तुम जानती हो तुम्हारे खिलाफ चेयरमैन बहन जी के यहां कितनी शिकायतें पहुंची हैं? केकमैन सिलाई बहन और सत्यभामा ने की होगी, तुमने उनका क्या बिगाड़ा? उनकी बदमाशी है मुझे ही मालूम है, इसलिए मुझे भगाना चाहते हैं। करते क्या है वो लोग? आश्रम की प्रॉपर्टी चुराते हैं और हमारे लिए जो चीजें आती हैं वो हड़प कर बाहर बेचते हैं।
फिर भी बेनाम चिट्ठी लिखना ये बेईमानी है उत्पला। तुम्हारी नजरों में वो लोग बेईमान होंगे, लेकिन तुम खुद क्यों बेईमानी कर रही हो? हाँ, अब रोना मत, रोना मत। मैनेजिंग कमेटी के सामने तुम्हारी तरफ से मुझे ही बात करनी है। क्या उम्र है तुम्हारे बच्चे की? 8 महीने। बहन जी, पहले वाले बहन जी से आप बहुत अलग लगती हैं। वो सब काम हमें से करवाती थी। निकाल दिया उनको। आश्रम की लड़कियां मदन सेठ के घर में पार्टी में पकड़ी गई। सुना है चेयरमैन का भी हाथ था उसमें। तुम जाओ उत्पला। ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूं। तुम्हारे जिम्मे जो भी सामान है उसे मैं किसी भी रोज चेक करूंगी। रजिस्टर में किसी भी तरह की काटापीटी मुझे बिल्कुल नहीं चलेगी और हर एंट्री रोज पर रोज साफ साफ लिखनी होगी, समझे? आइंदा अगर चेकिंग में कुछ गड़बड़ी नजर आई तो याद रखना, और लड़कियों से कहना कल से प्रार्थना कंपलसरी रहेगी।
जरा इधर आना। तुम्हारी वर्दी कहाँ है? धोने दी है बहन जी। धुली क्यों नहीं थी? तुम्हें दो सेट दिए है ना? क्या वो मेहमान आए थे घर पे और घरवाली की तबीयत भी ठीक नहीं है बहन जी। बगैर वर्दी के काम पर चले आते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये जैकेट उतार दो, घर जाकर वर्दी पहन कर आओ। जाओ। में चलो, मत बोराओ की निधि। बख्शीस मिली आपको क्या? आपकी साड़ी नई लगती है। आश्रम में रहते हुए ऐसे गंदे काम करने में शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गायत्री तुम्हारी बेटी जैसी है, तुम सबको ऐसी सजा दूंगी, याद रखोगे। और तुम भी याद रखना, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। तुम्हें क्या सजा दूं मैं? इसी वजह से तुम्हें घर छोड़कर यहां आना पड़ा था, और आश्रम में 2.5 बरस रहते हुए भी फिर वही कर रही हो। कब सुधरोगी तुम? तुम्हें सजा देना मुझे पसंद नहीं। जाओ तुम। शीला सैमसन, हेलो, मैं सावित्री महाजन बोल रही हूँ। हाँ जल्दी कहिए, मुझे एक जगह लंच पे जाना है। मैडम, यहाँ के गायत्री नाम की लड़की की आश्रम के बाहर के किसी आदमी से सांठगांठ है, ऐसा मुझे कल रात ही पता चला। इस काम में गेटमैन और रसोई वाली ने उसकी मदद की है, हाँ सबूत है। और मैडम, उन दोनों को बख्शीस भी मिली है। छीन लीजिए बख्शीस, 10-10 रुपए फाइन कीजिए और वार्निंग दीजिए। लड़की को 2 दिन लॉकअप में बंद कीजिए। और कुछ? जी नहीं। अब रात 9 बजे से पहले फोन मत कीजिए। गुड बाय। गायत्री का यहाँ से भागे बिल्कुल गलत बात है। अगर तुम इसी तरीके से यहाँ से भाग निकलोगी तो यही वापस आ जाओगी, ये कभी सोचा है तुमने? हाँ, अगर हम एक दूसरे को जान ले, पहचान ले, समझ ले तो रास्ते निकल आएंगे। फरीदा, फरीदा तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? वैसे ही बहन जी, मरद ने घर से निकाला। बाल बच्चे तो नहीं है तुम्हारे? नहीं बहन जी, मैं अपने मर्द की चौथी औरत थी। बहुत सारे घने लंबे बाल थे मेरे। मर्द बोला, लोग तेरे बालों पे फिदा होते हैं, तेरा चाल चलन ठीक नहीं,
मारने लगे, बहुत मार खाया, सारे बाल काट दिए मेरे बहन जी। जब जान से मारने लगे तो मैं घर से भाग निकली। अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को खत लिखूं तो तुम वापस जाना चाहोगी? वो गरीब है, मेरे बाप को ना बहन जी बहुत बच्चे हैं। बाप बोला तू हमको मर गई जा, कुएं में कूद जा। अब यही मेरा घर है। चंपा, तुम शोलापुर की हो ना? हाँ बहन जी, सांगवी की, चमार बस्ती की। मरद टीबी से मर गया, 4 बरस का बच्चा पीछे छोड़ के। खेत में काम करती थी मैं, मजूरी बहुत कम मिलती है, इसमें घर नहीं चलता। पैसा देना थोड़ा। कारखाने की इलेक्शन आई है, मालिक बोलता है औरत लोग चाहिए, पार्टी करने की है दारू की, एक टाइम का 30 रुपया। हाँ काम गांधा है पर पैसा मिलेगा। मैं बोल दूं क्या मालिक से? बहुत सुंदर है। कैसी हो तुम? मेरे पेट में ना हाँ उछल उछल सी होती है। ऐसे होता है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक लड़की है। क्या नाम है उसका? रानी। उसकी फोटोग्राफ है आपके पास? है ना, मुझे देखनी है। हाँ जरूर चलो। और तुम्हारी जैसी दो चोटियां, स्कूल में मुझे वो बुद्धू कहते थे। सच बच्चे? सच। आपको देख कैसी यकीन नहीं आता। आओ तुम्हें देखना है ना रानी को। ये 5 साल की है और ये देखो, ये रानी, रानी के पापा, उसके चाची चाचा और ये उसकी दादी माँ। सौदा पक्का कर दीजिए बहन जी। ये जरा और दिखाइए। आप तो बहुत सोचते हैं, आश्रम के नाम पे कितने लोग पैसा कमाते हैं। हमें थोड़ा पैसा मिला तो आपका क्या बिगड़ा? आपका खुद का तो पैसा नहीं है। सेठ जी, सार्वजनिक संस्था से वैसे तो आपको कम पैसे लेने चाहिए। ये और लाइए बहन जी, ये रख लीजिए। क्या है? मामूली सा तोहफा है। आश्रम के पैसे खाने की जगह है। चंदा चलो निकलो। फुलवा कहाँ है? कहाँ है फुलवा? क्या हुआ? फुलवा इधर आओ। उठाओ ये।
बिल भेज देना। हाली लीली चंपा बहुत अच्छा लड़का है। ओ ले ले। अच्छा बोलो क्या सोचा है ना? आप बताइए। नहीं नहीं मैं बताऊं? हाँ। नहीं नहीं तुम लोग बताओ। अमिताभ चलो। नहीं भाई धर्मेंद्र नहीं जितेंद्र। फिल्म स्टारों के साथ दूसरे नाम नहीं सोचते तुमको? तो फिर आप ही रखिए। मैं रखूं? अच्छा। ओ ले ले ले। कितना हंसते है तुम? सुहास काम करो। तुम पीछे से जाओ उसको पकड़ कर नीचे ले आओ। हाँ जल्दी संभाल कर जाओ जल्दी। फोन कर दो जल्दी। प्रिय सुभाष आज निश्चय करके ही पत्र लिखने बैठी हूं। यहां की हर बात वैसे तो मैं यहां कुशल हूं। रानी कैसी है? माया उसकी देखभाल करती ही होगी। उसे मेरी याद। आश्रम की नई सुपरिंटेंडेंट श्रीमती सावित्री महाजन। नमस्ते। टाटा इंस्टीट्यूट के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हमारे मैनेजिंग कमिटी के मेंबर से आपका परिचय कराती हूँ। यह आपकी पहली मीटिंग है। आप हैं श्रीमान पिरोड़कर, पत्रकार हैं, यहाँ का साप्ताहिक चलाते हैं। आप हैं श्रीमान वाड़िम्बे, हमारे गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल और सामाजिक कार्यकर्ता। आप हैं श्रीमान बाबा बड़कस, यहाँ के बुजुर्ग वकील और बहुत सालों से आश्रम की कमिटी के पुराने मेंबर। आप हैं श्रीमती आनंदी बाई नवरे, लेखिका हैं। और आप हैं शकुंतला बाई सावंत, भूतपूर्व एमएलए की पत्नी। शैल वी स्टार्ट मिसेस महाजन? जी वी आर ऑलरेडी लेट। इज एनीवन एल्स कमिंग? समाज कल्याण अधिकारी डीएसपी और कलेक्टर साहब कुछ काम की वजह से नहीं आएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, काम होए तब साहेब नाही। क्यों आलिम में पहला केस बुलाइए। नाम क्या है इसका? सुभद्रा। पति का नाम राम प्रसाद। नहीं, मैं सुभद्रा शिवचरण हूँ।
लो लगा दिया इसके ऑर्डर राम प्रसाद के नाम पे। अपने पति का नाम लगाने की इसकी इच्छा नहीं। नितांत अभिमानी एडल्ट्री सौभाग्य पतिता कहा जा सकता है इसे। क्या कहती है? कहती है अपने घर वाले का नाम नहीं लगाऊंगी। अच्छा। केस फाइल करिए। सुभद्रा वैसे बिहार की, अपने बूढ़े पति की दूसरी औरत, जिसके पहले दो बच्चे हैं। जबरदस्ती से की हुई शादी के बाद सुभद्रा जवान शिवचरण के साथ भाग निकली। पति की कंप्लेंट से पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा। उसके बाद उसे यहां लाया गया। जब वो यहां आई तब गर्भवती थी। अब उसकी एक बच्ची है, उम्र 6 महीने। इसे अपने पति के पास जाना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इसे नफरत करती हूँ। क्यों? वो लायक नहीं है, बूढ़ा है, गंदा है। बूढ़ा है क्या? क्या इसका पति इस बच्चे के साथ इसका जिम्मा लेने के लिए तैयार है? वो लाख लेगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। उस बंदर के घर में कभी नहीं जाऊंगी। तो किसका घर रहोगी? भाई साहब ने नागपुर को बड़े साहब को खत लिखा है, शिवचरण आएगा, मुझे ले जाएगा। क्या कह रही है ये? जी हाँ, नागपुर के होम इंस्पेक्टर को मैंने वैसा खत लिखा था, लेकिन आज सुबह उनका जवाब आया कि शिवचरण ने दूसरी औरत के साथ शादी कर ली है। क्या मतलब? हाँ सुभद्रा, शिवचरण ने दूसरी औरत के साथ शादी कर ली है। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसे अपने पति के घर तो जाना ही होगा। उसे चिट्ठी लिखकर बुलवाइए और इसे सौंप दीजिए। अगला केस। गावस्कर 98 पर ही क्लीन बोल्ट। सुभद्रा, कोठी में वापस जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुभद्रा, कोठी में वापस जाओ। चलो, समय बर्बाद न करो। मैं बहन जी को बता दूंगी। अस्पताल जाना है। मुझे भी मीटिंग के लिए स्कूल जाना है। मैं फालतू थोड़ा। बहन जी, कुछ करो बहन जी। मैं उसके पास नहीं जाना चाहती बहन जी। आधे घंटे में मीटिंग खत्म होनी चाहिए। मुझे बहन जी जाना है। मानिए ना बहन जी, भाई कुछ बोलो बहन जी। मैं उस बड़े के पास नहीं जाना चाहती बहन जी। बहन जी, मैं बदला लूंगी, मैं बदला लूंगी। मैं उस बूढ़े के पास नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अगला केस कुंवारी माँ का, उत्पला जोशी। बहुत लड़ाकू किस्म की लड़की है, इसका रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा। इसके पिता डॉक्टर हैं। 8 महीने की बच्ची है इसकी, जो यहीं पैदा हुई थी। इसके पिता सिर्फ एक ही शर्त पर इसे घर ले जाने के लिए तैयार हैं, कि वो अपनी बच्ची को अपने से अलग रखें। इसी मतलब से उन्होंने 500 रुपए भी भेजे हैं। गुड आइडिया, बच्ची को किसी अनाथाश्रम में भेज दिया जाए और इसे अपने पिता के पास। क्यों? बच्ची को तो भेजना ही चाहिए। लेकिन वो अपनी बच्ची को अपने से अलग नहीं रखना चाहती। क्यों नहीं रखना चाहती? देखिए, वो खुद अपने सहारे जीना चाहती है, उसे जीने दीजिए ना। और वो पढ़ी लिखी है, जब तक उसे नौकरी नहीं मिलती वो यही आश्रम में रह सकती है। मिसेस महाजन, आश्रम का बजट अच्छी तरह जानती हैं आप। जिनका बाहर इंतजाम हो सकता है उन्हें खामोखा आश्रम में पाल पोसने की जरूरत ही क्या है? देखो बेटी, माँ का दिल खैर ठीक ही है, लेकिन ये बच्ची है एक पाप की पैदाइश, इसीलिए उसे तुम्हें दूर करना ही होगा, वरना सभ्य समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। वैसे तो भविष्य में तुम्हारे विवाह की समस्या भी खड़ी हो सकती है, समझी ना? मैं मेरे बच्ची को नहीं छोड़ूंगी और मेरे पिताजी के पास भी नहीं जाऊंगी। तो भेज दो इसे बच्ची के बाप के पास, वो घर में घुसने देगा उसे। मैं मेरे बच्ची के साथ आश्रम छोड़ना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, अपनी खुशी से जाना चाहती हो तो वैसे लिख दो। मिसेस महाजन, इसके पिताजी ने जो 500 रुपए भेजे हैं उसे वापस दे दीजिए, इसके काम आ जाएंगे। और आश्रम की तरफ से एक साड़ी और ब्लाउज दे दीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी बच्ची चाहिए। बहन जी, मैं जाती हूँ। चलिए, इट्स 5:30, वी मस्ट डिस्पर्स। मेरा टीम किसी के साथ भेज दीजिए। मुझे जीत से प्रेशर छोड़ दीजिए। चलिए चलिए चलिए, उठिए।
हो गई मीटिंग, पिए दे रहे हैं। अच्छा चलो चलो, मुझे भी अस्पताल में तबीयत दिखानी है। हाँ, और मुझे गंदे सिनेमा के विरोध में महिलाओं का मोर्चा ले जाना है। आइए चलो। बहन जी, क्या सचमुच मुझे उस निकम्मे के पास जाना होगा? क्या सचमुच श्रीचंद ने शादी कर ली? हाँ सुभद्रा। हेलो ऑपरेटर, हाँ दीजिए। हेलो 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 माया, मैं सावित्री। हाँ, 5-6 दिनों से कोशिश कर रही थी, अभी मिला। हेलो हेलो माया, रानी कहाँ है? पिकनिक कहाँ? महाबलेश्वर? हेलो, और वो कहाँ है? कब आएंगे दिल्ली से? उन्हें कहना खत लिखने के लिए। हेलो, तुम दोनों ठीक हो ना? माँ जी कैसी है? हेलो हेलो माया, रानी से कहना मुझे उसकी याद। मैं ठीक हूँ, रानी से कहना मैं उस आश्रम। कहो बहन जी, कैसे हो? महिला आश्रम कौन है? कौन? नई बहन जी। कौन नई बहन जी? सुप्रिंटेंडेंट बोल रही हूँ। आप कौन? हमें नहीं पहचाना। हम बने बोल रहे हैं, बने MLA स्पीकिंग। हाँ, गाड़ी भिजवाई है, एक अच्छी सी छोकरी भेज देना बंगले पे। आ जाएगी सवेरे तक वापस आश्रम में। कमला भाई, दफ्तर बंद कर दो। क्या बहन जी? दफ्तर बंद कर दो। जी बहन जी। गेटमैन, गेटमैन, चंदा उत्पला, फरीदा, फरीदा।
माँ। बहन जी देखिए ना सुभद्रा ने क्या कर रखा है। चलिए 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 ना चलिए ना। कोई है अंदर? कौन है, क्या काम है? नमस्ते। क्या राम जी की? बोलो। जरा गेट खोलेंगे, गाड़ी अंदर लानी है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। चेयरमैन भाई के सिवा किसी की भी गाड़ी अंदर नहीं घुस सकती। हुक्म है। अच्छा ए, अरे अंदर कहाँ घुस रहे हो? पहले रजिस्टर, बाद में अंदर। हेरो लिखो, नाम धाम काम, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है? अपनी बहन जी से कह देना सुभाष जी आए हैं। अरे जो कुछ है वो लिखो। रजिस्टर में लिखा पड़ी किए बगैर भगवान भी नहीं अंदर घुस सकता। बहन जी का हुक्म है। यही ठहरो, अंदर मत आओ। अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन गेट के पास एक अनाथ औरत की तरह रुका। सुभाष आई एम सॉरी, लेकिन मैं जरा काम में थी और रजिस्टर देखा ही नहीं, और मुझे क्या पता आप इतने अचानक। रानी को मिला है? उसके एग्जाम्स है ना? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, मजे में। चलिए ना अंदर आइए। गाड़ी लेंगे ना अंदर? हाँ हाँ। आओ बैठो। नहीं मैं जाती हूँ, आप आइए। ओके। मैं भी क्या कहता, माँ जी तो सुनती नहीं और इस वक्त। बहन जी चाय, तुम दो ना। थैंक यू। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये हमारी मंगला। नमस्ते। अच्छा, बहुत होशियार लड़की है। हाँ चाय इतनी अच्छी नहीं है ना? ठीक है, यहाँ इससे अच्छी क्या मिलेगी। सुभाष अभी तक छोड़ी नहीं। तुम रहती कहाँ हो यहाँ? चलिए ना, पहले आश्रम देखेंगे। नहीं, आते वक्त जितना देख लिया उतना काफी है।
बाकी कल देख लेंगे। नमस्ते साहब, नमस्ते। क्या है, चलो अपने अपने काम पर। अरे बाप रे, नमस्ते साहब। अरे क्या लगा रखा है साहब, यही रहने वाले दो चार दिन। हाँ चलो भागो, जल्दी भागो। मुझे फिंसर बना दिया इन लोगों ने। आइए, ये रहा मेरा महल। अगर आपके आने का पता होता तो मैं इसे थोड़ा सजा देती। नहीं नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जगह के खातिर थोड़ी ही आया हूं। कितनी दुबली हो गई हो। साहब क्या खाना पसंद करेंगे? सुभाष, लड़कियां पूछ रही हैं आप क्या खाना खाएंगे। उनसे कहना साफ सुथरे हाथों से बना जो भी मिलेगा चला लेंगे। हम जो हमेशा खाते ना वही खाना। हाँ जाओ तो। सुभाष, उन्हें बहुत खुशी हुई है तुम्हें देखकर। सच, पता नहीं कब से उम्मीद बांधे रखी है मेरे पति को देखने की। पूरी हो गई या अभी बाकी है? कैसी बातें करते हो, तुम्हें पता है यहां सब किस्मत की मारी भूली भटकी। लेकिन मुझे क्यों है तकलीफ? सुभाष सॉरी। सावित्री, मुझे तुम्हारी सामाजिक दृष्टि से देखना नहीं आता। मैं न किसी के लेने में हूं न किसी के देने में। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि कोई मेरे बीच दखल अंदाजी न करे, बस। साबी, दूसरों का दुख मैं भी समझता हूं। सुनो साला, लग रहा है कोई ना कोई झांक रहा है। क्या बात कर रहे हो? अरे क्या हंस रही हो, सचमुच लग रहा है दरवाजा खिड़कियों की आंखें उड़ाई। सुनो, एक काम करते हैं। कार है, कहीं बाहर घूमने चलते। चलोगी? चलो। लेकिन देखो ये सुपरिंटेंडेंट वाली साड़ी जरा बदले। अच्छा चलोगी? सुभाष चलेंगे? छह बज के आश्रम में खाने का वक्त हो गया। हाँ चलो चलो चलो। अस्पताल ले जाना पड़ेगा, इसे दर्द हो रहा है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप मेरी बाजी से मुझे जाइए। सुबह आप हमें अस्पताल छोड़ के आएंगे, मुझे शायद रुकना पड़ेगा, आप चले आइए। धीरज रखो, ठीक से पकड़ो, चलो इसको संभाल के रखना, पेट पेट पकड़ के रखना। अभी पहुंच जाएंगे। सॉरी, आ
मिसेस महाजन। क्या हुआ डॉक्टर? नेचुरल डिलीवरी मुझे मुश्किल लगती है, सीजेरियन करना पड़ेगा। तो लेकिन लड़की बहुत कमजोर है, आप रिश्तेदारों को जल्दी बुलाइए। मैंने अटेंडेंट को भेजा है लेकिन जल्दी आने वाले कोई है नहीं। लेकिन सीजर के लिए भी वेट करना ठीक नहीं, गार्डियन की हैसियत से आप जिम्मेदारी ले सकती है? जी हाँ। गुड, आई सेंड द नर्स। इसके टीचर ने से जबरदस्ती। डॉक्टर, मिसेस महाजन, इसे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, वैसे उसकी उम्र भी छोटी और इस छोटे शहर में इसके ग्रुप का ब्लड मिलना भी मुश्किल बात है। एनीवे लेट्स ट्राई डॉक्टर कुलकर्णी, प्लीज ट्राई एंड फाइंड द डोनर। प्लीज आज नहीं। सुनो,
रानी को मेरा प्यार दीजिए। हाँ। माया भाई साहब माँ जी को भी कहिए। हाँ। अपना ख्याल रखिए। बाय। बहन जी साहब 4-5 दिन रुकने वाले थे ना, कुछ काम की वजह से उनको अचानक जाना पड़ा। अरे सुशीला, कमेटी के मंजूरी बगैर मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हें जाने दे रही हूँ। अच्छी तरह से रहना, दोबारा कोई गलती मत करना। आप भी इसे पुरानी जिंदगी की याद मत दीजिए, संभाल के रहिए। जी बहन जी। ख्याल रखो।
पसंद नहीं। आपने बहुत ही गलत काम। मैं जानती हूँ मैडम, लेकिन उसे नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैंने अपने अधिकार में उसे इजाजत दे दी। मगर उसकी शादी पहले हो चुकी है, उसका पति जिंदा है। वो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए है मैडम, असल में उसका पति नामर्द है। हुआ तो क्या हुआ, पति के जिंदा रहते हुए किसी गैर मर्द के साथ भेजना बिल्कुल गलत है। लेकिन वो गैर मर्द नहीं है, वो उसका शादी से पहले का प्रेमी है और वो खुद अपनी जिम्मेदारी पर गई है। सुनिए, ये एक सार्वजनिक संस्था है, हमारी तरफ से कोई कॉम्प्लिकेशंस न होने पाए। देखिए, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप खुद मत लीजिए, समझी? लेकिन मैडम, आश्रम वाली लड़कियों से तो आश्रम बड़ा नहीं है। एनीहाउ, कमिटी को आपके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। प्रिय सुभाष, मैंने 5-6 पत्र लिखे लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया, अब तक नाराज है मुझसे। सुभाष, तुम्हें मालूम है आश्रम की 5 लड़कियां टीचर्स का कोर्स कर रही हैं और 7 लड़कियां नर्सिंग का। यहाँ के कारोबार में काफी सुधार हो रहा है। सुभाष, मेरी आत्मा कहती है मेरे सपने जरूर सच होंगे। अरे हाँ, लड़कियां कल चैती पूनम की रात मनाएंगी, खूब हंगामा होगा। सावित्री।
कौड़िया कमीनी, बेशरम, कैसे गंदी हो तू? पकड़ो पकड़ो, आदिया ने पकड़ लिया। छोड़ो कोई आप पता चले। छोड़ो नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो तो आप पता चले। आप पता चले क्या है ये? आप क्या बात है? क्या हुआ? आप बता। बोलो। इनको भी सजा मिलनी चाहिए बहन जी। निकाल दो इन्हें आश्रम से। छोड़ो इनको। छोड़ो कहा ना? क्या किया इन्होंने? वही जो करना नहीं चाहिए, आज ही नहीं पहले से ही चल रहा था, आज पकड़ में आई हैं। बहन जी बहुत दिनों से शक था इन पर, आंख खुली और देखा तो दोनों बिस्तर से गायब, छत पर थी, अंधेरे में दोनों का चल रहा था, वही जो औरत और मर्द में होता है। दस दस जूते लगाओ बहन जी, हम नहीं रह सकते इनके साथ, महिला बनो इनके मुंह में। बंद करो, बाकी मैं देख लूंगी। तुम अपनी अपनी बराकों में चली जाओ, चली जाओ। तुम्हें कुछ कहना है? इन्हें ऑफिस में ले चलो। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। ये देखा आपने? चाय शरबत। ये देखा आपने आश्रम के लेस्बियन प्रकरण का भंडाफोड़? हाँ हाँ, समलिंगी संबंध के बारे में मैंने ही छपवाया है। आप आश्रम की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर है ना? हाँ, है तो फिर बारे में ऐसी खबर छापते हैं? बिल्कुल, पत्रकार की तत्वनिष्ठा यही होती है, अगर हमारे बारे में सच्ची खबर हो तो हम जरूर छपवाएंगे। लेकिन छापने से पहले अगर आप मुझे पूछते को तो भंडाफोड़ कहते हैं, अरे इसमें तो मजा है। अरे आप चली? चलो आज फैसला ही करेंगे। करेंगे करेंगे जरूर करेंगे, नहीं तो क्या बात है? दोनों गंदी लड़कियां हमें नहीं चाहिए, हमारे बदनामी होती। ऐसे दोनों को निकाल देंगे, दोनों को निकाल ही देंगे, ऐसी लड़की हमारे नहीं चाहिए। अभी कहेंगे आज क्या फैसला कर लेंगे, चलो दोनों को निकाल देंगे, हमें चाहिए नहीं। बोल 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 बता दे क्या हुआ। बहन जी हमें कुछ कहना है आपसे। चलो दफ्तर में चलो। नहीं हम यही बताएंगे। क्या है? वो दोनों हमें नहीं चाहिए आश्रम में। क्यों नहीं? क्योंकि वो गंदी है, बदचलन है। या तो वो रहेगी या हम। ये किसने तय किया? हम सब ने किया। आश्रम चलाना किसका काम है, तुम्हारा या मेरा? जो भी हो हमारी बात पत्थर की लकीर है। बाहर के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं पता है ना तुम्हें? तुम भी उन्हें गंदी और बदचलन लगती हो। बाहर वाले कहाँ हमें अपने बीच रहने देते हैं। इसलिए तुम उन्हें अपने बीच रहने नहीं दोगी? नहीं, वो कहाँ जाएंगी? कहीं भी जाए हमें क्या। अगर मैं उन्हें यहीं रखूं तो तुम कहाँ जाओगी? उन्हें जाने के लिए भी तो कोई जगह नहीं। खैर उनका क्या करना है वो मैं देख लूंगी, लेकिन वो यहीं रहेंगी। अरे जी हाँ, चलो 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 चलो
फेमस को। मैं और कुछ नहीं जानती, आप उन्हें दूसरे आश्रम में भेज दीजिए। उनके चले जाने से सवाल हल होने वाला नहीं है। आश्रम में आने वाली लड़कियां किसी न किसी बुरी लत की शिकार होती ही हैं। अगर अच्छी भली होती तो यहां आती ही क्यों? मैडम आई अश्योर यू, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट से वो जरूर सुधर जाएंगी। नो, अब वो यहां नहीं रहेगी। दे मस्ट क्विट। एक रोगी के बारे में डॉक्टर या नर्स ये कैसे कह सकते हैं? रोग रोग है, मन का हो या शरीर का, डॉक्टर उसमें भेद नहीं कर सकते। और ये आप क्या डिफेंड कर रही है मिसेस महाजन? एक ऊंचे घराने की होते हुए भी आप इस तरह? मैं डिफेंड कुछ नहीं कर रही हूं मैडम, मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि हमारी भूमिका क्या हो सकती है। और हम जेकब इन आश्रम तक जीप से छोड़ाओ। थैंक यू मैडम। आश्रम की साड़ियां पहनी हुई हैं, बंबई की झोपड़पट्टी की हैं दोनों। ठीक है, आप भेज दीजिए कांस्टेबल भंडारे को, मैं फोटो दे दूंगी। जाइए आप लोग। सुकंधा, हीरा और जंगम के साथ तुम ये जानबूझकर दुश्मनी कर रही हो, मुझे शक था ही। और तुम्हारी इस चाल में ये गायत्री भी शामिल है। मैंने कुछ नहीं किया। कमाल, अपराध कबूल करो सुकंधा। गलती से हुआ बहन जी। गलती से नहीं, जानबूझकर। ये सब तुम दोनों में तय हुआ था और ये सारी लड़कियों ने देखा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तुमने इन लड़कियों में एक दहशत पैदा की है। ये सब डरती है तुमसे। आप बेकार में बिगड़ रही हैं बहन जी। आश्रम में नियंत्रण सिर्फ सुपरिंटेंडेंट का होगा। ये बीच की सारी दादागिरी मैं तोड़कर रखूंगी, समझी? आज आश्रम के सब झूठे बर्तन और कपड़े सुगंधा और गायत्री धोएंगी और उसे ठिकाने पर रखेंगी। ये तुम्हारी सजा होगी और इसमें कोई उनकी मदद नहीं करेगा, समझी? घूम लिया बाहर, अब चलो अंदर। सलाम बहन जी। क्या मिला तुम्हें यहां से भागकर? हमें नहीं रहना यहां। क्या रखा है इधर? तुम्हें कुछ कहना है? उन्होंने कहा था बंबई दिखाएंगे, दिल्ली घुमाएंगे। इन्हें लॉकअप में रखो। सर,
आश्रम के सुपरिंटेंडेंट मिसेस महाजन, इन पर हमने जो आरोप लगाए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आरोप। लॉकअप में दो लड़कियों ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली, उसकी पूरी जिम्मेदारी। विधानसभा में इस घटना पर बहस और आश्रम की बदनामी। पहला पति जिंदा होते हुए भी गर्ल मर्द के साथ शादी करा दी गई, जिसे आश्रम के नाम पे थप्पा। माननीय MLA से टेलीफोन पर बदतमीजी की भाषा। व्यापारी वर्ग और आश्रम के परस्पर संबंध बिगाड़ना और आधुनिक समाज शिक्षा के नाम से पुनर्वसन के गलत प्रयोग करना। बहुत बढ़िया, टू द पॉइंट।
हाँ इतनी तो डिसिप्लिन होनी ही चाहिए। आज सुबह ही बंबई से फोन आया था मुझे मंत्रालय से। सरकार ने इस घटना की इंक्वायरी के लिए वन मैन कमीशन भेजा है। एक दो दिनों में उसका काम शुरू हो जाएगा। प्रिय सुभाष, आपका पत्र मिला। जो होना नहीं था हो गया। आपने मेरी मदद करने के बारे में लिखा, पढ़कर धीरज बढ़ गया। लेकिन सुभाष, मुझे मेरी सच्चाई पर पूरा विश्वास है। चिंता मत कीजिए सावित्री। जो होना नहीं था हो गया। आपने मेरी मदद करने के बारे में लिखा, पढ़कर धीरज बढ़ गया। लेकिन सुभाष, मुझे मेरी सच्चाई पर पूरा विश्वास है। चिंता मत कीजिए सावित्री। हेलो बहन जी, आप जैसी खूबसूरत औरत को इस गांव में अकेले रहना ठीक नहीं। सिर्फ नजरें बुरी नहीं होती, लोग भी बुरे होते हैं। क्यों सुपरिटेंडेंट साहिबा, कितनी लड़कियों की जान लेंगी आप? दिल बहला नहीं गया अभी क्या? बोलिए। चेयरमैन भाई ने दिया है, राउंड लेंगी ना बहन जी? हाँ। बने बोल रहे हैं, क्या हो रहा है तुम्हारे आश्रम? हमें असेंबली में जवाब देना पड़ता है। आपने अखबार में पढ़ा है ना, तो फिर क्या फैसला किया आपने? हमारी सलाह मान लो तो आप यहां से बोरिया बिस्तर बांध कर चली जाइए। देखिए, आश्रम सबसे बड़ी चीज है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। यहां के लोग बड़े खतरनाक हैं, शायद आश्रम को जला भी देंगे। आप यहां नहीं रहेंगे तो आश्रम तो बच जाएगा। तो फिर क्या फैसला किया आपने? सब ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अपना घर, खासकर अपना परिवार छोड़कर
इस छोटे से गांव में आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर कैसे आई? आपकी कुछ व्यक्तिगत समस्या थी? सवाल अगर ज्यादा व्यक्तिगत है तो छोड़ दीजिए। वैसे अपने परिवार में मैं ठीक थी, पैसों की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ससुराल में मेरे लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था और मैं अपने आप को बहुत निष्क्रिय महसूस कर रही थी। इसी वक्त जब यह मौका मुझे मिला तो एक जिद से मैं यहां चली आई। मेरी समाजशास्त्र की पदवी थी ही और शुरू से ही हमारी औरतों के प्रश्नों से, उनकी जिंदगियों से मुझे एक आस्था थी, लगन थी। मुझे लगता है इस काम का और मेरा रिश्ता है। यहां ज्वाइन होने के बाद आपने जो देखा वो आपकी कल्पना से कुछ अलग था? जी हाँ, इस प्रकार की संस्था इतने बुरे तरीके से चल रही होगी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह आश्रम कुछ खास लोगों के लिए एक चराना बन गया था। आपको पता नहीं होगा, ये शायद होगा भी, प्रतिष्ठित लोगों के लिए यहां से बाहर लड़कियां भेजी जाती थी। मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए। मैंने निश्चय किया मुझे यह सब बदलना चाहिए, लेकिन इस कोशिश में मैं जान गई कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस आश्रम की दुनिया का बाहर की बड़ी दुनिया से बहुत गहरा संबंध है जो कि मेरे बस के बिल्कुल बाहर है। जैसे कि इस आश्रम की मैनेजिंग कमेटी, इन बेबस औरतों के बाहर की दुनिया, इस आश्रम पर दबाव लाने वाली दुष्ट बड़ी शक्तियां, इन सबकी सुविधा के लिए यह आश्रम सिर्फ एक बंदीखाना रहना जरूरी है। जिन्हें बाहर कोई सहारा ना हो उन्हें यहां बंद करो, जो बाहर वालों के लिए मुसीबतें हैं, बलाएं हैं, उन्हें यहां लाके भर दो, जो सवाल बाहर सुलझ नहीं सकते वो यहां ठोसो। जैसे कि इस प्रकार की संस्थाएं बाहर के प्रतिष्ठित लोगों के लिए एक कूड़ाखाना, और जब जब ये कूड़ाखाना भरकर बहने लगता है तो इन औरतों को बेजान चीजें समझकर कहीं और फेंक दो, ये भूलकर कि वो भी इंसान है। इसी को शायद इन लोगों का पुनर्वसन कहा जाता है। आप सुन रहे हैं ना? क्यों, न्याय देवता की तरह दिख रहा हूं? मैं सुन रहा हूं। चंदा फुलवा इस कूड़ाखाने के, इस बंदीखाने के बाहर की मुक्त दुनिया देखना चाहती थी, खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, इसलिए उन्हें जो रास्ता दिखाई पड़ा उसी पर वो भाग निकली। जब उन्हें पकड़कर वापस लाया तो चंदा ने क्या पूछा पता है? क्या है क्या यहां रहने जैसा, और थूक दिया था यहां की जिंदगी पर। फुलवा ने कहा था वो उसे बंबई घुमाने वाले थे, दिल्ली घुमाने वाले थे। उन्होंने देखी थी सिर्फ अपनी झोपड़पट्टी, गंदी केनौनी। उन्हें चाहती सुंदरता से जीने की, और हमने उन्हें पकड़कर फिर से यहां ठोसा और जतलाया तुम्हें यही रहना होगा, दो पाए जानवरों की तरह इस कंजी हाउस में। उनकी उनकी नजरों में मैं उनकी पहरेदार थी, जेलर थी। अगर हो सकता ना तो वो मुझे जला देती, इस आश्रम को जला देती, यहां की ऊंची दीवारें जला देती, लेकिन उनके बस में नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने आप को जला लिया। ऐसी कितनी जिंदगियों के बारे में आपको बताऊं जिनका सिर्फ बीता हुआ कल है, आने वाला कल नहीं। क्या उद्धार करने वाले हैं आपके ये कांजी हाउस, ये कूड़ाखाने? मतलब ऐसी संस्थाएं होनी ही नहीं चाहिए? होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन जहां गलतियां सुधारने का मौका हो, और गलतियां कौन नहीं करता। इंसान की आजादी छीनकर आप उसे नहीं सुधार सकते। आज के हालात देखते हुए क्या ऐसा नहीं लगता कि आपके विचार बहुत रोमांटिक हैं? तो हालात को ही बदलना होगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपना काम करती रहूंगी, अगर यहां नहीं तो और कहीं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। थैंक यू मिस्टर महाजन। हेलो, चेयरमैन बहन जी हैं क्लब में? मैं सावित्री महाजन बोल रही हूं, उन्हें बता दीजिएगा मैं कल घर वापस जा रही हूं और इस्तीफा कल सुबह तक उन्हें मिल जाएगा। जी नहीं, शुक्रिया।
कौन चाहिए, क्या काम है? सावित्री। अरे तू अचानक कैसे आई? बस ऐसे ही। कैसी हो? ठीक हूँ। द्रुपदा ये बैग अंदर ले जाओ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। चलो आओ अंदर आओ। रानी कहाँ है? रानी शायद बाहर खेल रही होगी, तुम चलो ना। तुम बैठो, मैं चाय भेजती हूँ। कौन है माया? क्या चल रहा है? माँ जी सावित्री आई है। हा? Dishes, better of feet. The milkman who whistle his way to the street. With the other. Anna. In paso. तुम्हारे लिए क्या क्या लाई है? समझ क्या लाई हो? आते वक्त मैं जल्दी में थी ना, शाम को ले आएंगे। रानी। अरे रानी सुनो तो। सुनो बेटिया, कहाँ जा रही हो? सुनो ना। भाभी ने फोन करके बताया कि तुम आई हो। एक आध दिन तो रहोगी ना? आजकल ड्रिंक्स लेते हो? कभी कभी, जरा रिलैक्स महसूस करता हूं। खाना खाओगे ना? नहीं, खा लिया मैंने क्लब में, भूख नहीं। रानी मिली? हाँ। बीच में जरा बीमार थी। हाँ मुझे पता चला। तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? छोड़ दी मैंने। मैं समझा नहीं। मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। तो फिर तुम वापस नहीं जाओगी? नहीं।
ये कोई बुरा सपना देखा हुआ। चुप हो जा। नहीं बेटी, चुप हो जा बेटी, रोते नहीं, सो जा बेटी, सो जा। लाडली मेरी, लाडली बेटी, सो जा। सावी, ए, सुन रही हूँ ना? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, जब मैं, अरे हाँ, वो वन मैन कमीशन का क्या हुआ? मुझ पे लगाए गए इल्जाम साबित नहीं हो पाए, मैंने खुद इस्तीफा दे दिया। सुनो, तुम यहां नहीं थी, उस बीच कुछ बातें हो गई। होने दो। नहीं नहीं, उनमें से एक तुम जान लो तो अच्छा है। मैं अकेला था, तुम पास नहीं थी, और अगर मैं चाहता कि तुम पास रहो तो वो होने वाला नहीं था। तो मैंने एक औरत से बाहर का रिश्ता कर लिया। आई मीन नथिंग इमोशनल, नथिंग नथिंग सीरियस, सिर्फ सिर्फ एक जरूरत पूरी करने की बात है, एक एक समझौता। अगर तुम उसके बारे में और कुछ बातें जानना चाहते हो तो बता सकता हूं, लेकिन फायदा क्या है? सावी, मैंने तुम्हारी जरूरत मान ली, समझ ली, और मुझे विश्वास है कि तुम मेरी जरूरत मान लो। उतनी समझदार हो तुम। अब सिर्फ इसलिए कि तुम वापस आ गई हो, वो संबंध तोड़ना मेरे लिए तो मुश्किल है। सावी, ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट जाए। तुम यहां भी रह सकती हो, सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। सिर्फ तुम्हें एक छोटा सा समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं है। अरे नहीं, जा रही हो? पागलपन मत करो, तुम कहीं नहीं जाओगी। आखिर जाओगी कहां? पता नहीं। सावित्री, नया एडवेंचर मत करो, दोबारा वापस आना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, आदत हो जाएगी तो तकलीफ कम होगी। सब लोग नाश्ते के लिए हमारा इंतजार करते होंगे, तुम चलो, मैं तैयार होकर आता हूं।
What does little body say in the nest at peep of day? Let me fly, said little body, mother, let me fly away. Body rest a little longer till the little things are Subhash, chai. हमारी लाडली ने पूरी पोएट्री याद की. वाह वाह वाह. Let me fly like little body, mother, let me fly away. Baby rest a little longer till the little limbs are stronger. So she rest a little longer, then she flies away.